उधर बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करने पर देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बजरंग दल का कहना है कि पीएफआई से तुलना करना देश के करोड़ों बजरंग बली के भक्तों का अपमान है। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा कि सत्ता में आने के बाद बजरंग दल और पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों को बैन करेंगे। इसी मुद्दे पर बजरंग दल ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की, सुनिए। कर्नाटक चुनाव की अगर बात करें तो बजरंग बली के नाम पर जो राजनीति शुरू हुई वो कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग हिस्सों में उसके नाम पर जो बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की गई वो अब उसका असर देखने को राजधानी दिल्ली में मिल रहा है। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सदस्यता अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और जो ये सदस्यता अभियान की शुरुआत है पूरे दिल्ली में यानी पूरे राजधानी दिल्ली में ये चल रही है। आप देख सकते हैं कि रजिस्टर में सबके नाम और सबके एड्रेस ये नोट किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ लोगों को सदस्य बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। हम भरत जी से ही बात करते हैं। भरत जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सदस्यता अभियान बहुत तेजी के साथ आप लोग चला रहे हैं, मैनिफेस्टो में पीएफआई बनाम अगर हम देखें तो बजरंग दल, किस तरीके से तुलनात्मक जो किया गया इस पर क्या रिएक्शन बजरंग दल का? देखिए, बजरंग दल के जो बजरंगी योद्धा हैं वो सभी चीज़ों के लिए तत्पर रहते हैं और राष्ट्र और धर्म के कार्यों में आगे रहते हैं। यदि कोई भी ऐसा मैनिफेस्टो लाने वाले, मेरे को उनके बुद्धिजीवियों पर हैरानी है कि उन्होंने हमारी तुलना पीएफआई से कर दी। कहीं भी कांग्रेस पार्टी का कोई नाम नहीं है तो न्यूज़ में आने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए और एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए किया जा रहा है कि भाई पीएफआई को बैन किया है तो हम बजरंग दल को भी बैन कर देते हैं तो उससे हमारा थोड़ा नाम हो जाएगा। बजरंग दल जो है वो अलग ही है, लोगों को शिक्षा देता है कि आप हमसे जुड़े। आप बताइए, बजरंग दल का एक ही उद्देश्य है, सेवा, सुरक्षा और अपनी संस्कृति, यही नारा है जी। ये तो गलत जोड़ा गया है कि बजरंग दल दंगा कराता, फसाद कराता, ऐसा कुछ नहीं कराता बजरंग दल। जैसे इनका शुक्रवार है, जुमा है, जैसे इनका संडे का ईसाइयों का है, वैसे अपना भी एक दिन होना चाहिए। अपना भी एक दिन होना चाहिए, मंगलवार को अपना एक संगठन बनाए, अपने जो आसपास के मंदिर हैं उसमें सब जाके एक घंटे के लिए अपना समय निकालें बस, और जय श्री राम का नारा लगाएं, जब करें जो भी करना है, अपने धर्म के लिए तो कुछ करें। माँ हिंदू धर्म उसमें रहता है, एकता रहेगी, यहाँ जातिवाद में ना बटे, जातिवाद में ना बटे, हिंदू धर्म जातिवाद में ज्यादा बटता है इसलिए पीछे रह जाता है। पीएफआई और बजरंग दल की कोई तुलना नहीं हो सकती। बजरंग दल जो अपना कार्य करता है जो देश का, ये हमेशा राष्ट्रीय हित में काम करता है और पीएफआई जो है वो विरोध में काम करती है। अभी राहुल गांधी ने जो पूरे देश का भ्रमण करा, एक्चुअली में क्या इनका 2024 का माइंड सेट है, अभी ने देखा है मतलब इन्हें कुछ मिल नहीं रहा 2024 के लिए, इन्हें कुछ मिल नहीं रहा तो इन्होंने बजरंग दल का मुद्दा उठा दिया। कि बजरंग दल जैसे सामाजिक और धार्मिक संगठन के लिए जिसका मोटो ही जो है सेवा, सुरक्षा और संस्कार है, और वहाँ इस तरह एक आतंकी संगठन से उसकी तुलना करना है, ये बेहद निंदनीय है। तो ये तमाम जो आज अगर हम देखें बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनसे हमने बातचीत की। हालांकि पूरे चुनाव की अगर बात करें तो कर्नाटक चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त बजरंग बली के नाम पर हो गया है, और अब इस पूरे मामले पर अगर देखें भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो भी बजरंग बली के नाम का पटका है वो गले में पहन करके निकल रहे हैं। हालांकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ये कहना है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली।